आपने हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे। जय श्री राम। कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है? अरे अरे भाई साहब, आप ये बगैर स्टैंप लगी हुई चिट्ठी की तरह घर में घुसे चले आ रहे, कौन है आप? बिंटी जरा बता इनको भाई साहब को कि मैं तेरा कौन लगता हूँ। अरे देखिए, हमका समझ नहीं आ रहा है कि आप हमारे कौन लगते हैं। आप ही हमका समझा दीजिए कि आप हमारे कौन लगते हैं। देख रहे हैं, वो पहचान नहीं रही है, तो आप ही बताइए। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है, ये जानबूझकर नहीं पहचान रही है। वो क्या है ना, जैसे आप लोगों के यहाँ होता है ना, पति का नाम लेने बेशर्मी होती है, वैसे हमारे यहाँ पति को पति मानने में बहुत बड़ी बेशर्मी मानी जाती है, तो ये नहीं बोल सकती। मैं इसका पति हूँ, पिंटू का बाप हूँ जी। क्या चल रहा है ये? है क्या चल रहा है? कुछ समझ में ही ना आ रहा, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? है पापा, मैं बताती हूँ, ये जो अंकल है ना। अब अंकल मत बोलो ना भैया, बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अंकल जी, वो अंकल जी ना पिंटू भाभी के पापा है, इनके पति। वो क्या ना, कारोबार की वजह से ना इन्हें दुबई शिफ्ट होना पड़ गया था, और काफी लंबे अरसे बाद वापस आ रहे हैं, इसलिए आंटी जी ना काफी नाराज सी चल रही हैं। अरे इलायची, तू तो इनके घर का पूरा चैप्टर ऐसे खोल कर बैठ गई जैसे तू इनके घर में पैदा हुई है, मेरे घर में ना। अरे यार पापा, विस्तार में बताया था ना उन्होंने। अच्छा, मिंटू भाभी ने पता, हमका छुओ नहीं, हमका तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम हमका भूल गए, हमका छोड़ के चले गए थे तुम। तुमको पता नहीं है का, एक अकेली खूबसूरत औरत की ऊपर सबकी नजर रहती है। तुमको जरा सा भी अंदाजा है तुम्हारी तुम्हारी बेटी का ब्याह होएगा? यार बस करना, अब क्यों सारा गुस्सा यही निकालेगी क्या? थोड़ा बात के लिए भी छोड़ दे। अरे अम्मा जी देख, मैं तेरे लिए कितनी बढ़िया साड़ी ले कहा है? अम्मा जी, जी कौन है अम्मा? छोटे भैया, तुम्हारे तो भाग ही खुल गए। ये पिंटू के पिताजी है, यानी मेरे भी पापा। हाँ पापा। पापा अम्मा, अरे अम्मा पापा, कितना जम हो गए जी, मतलब अम्मा पापा भरा पूरा परिवार मिल गया। पापा किसने सोचा था बताओ, किसने सोचा था कि इतना हंसता खेलता परिवार अचानक से मुझे मिल जाएगा? मेरा खुशी ने कसम से, हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। अम्मा पापा, अब मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे बहुत बढ़िया छोटे, दो मिनट कुछ काम की बात कर ले हम हैं। हाँ कर लो कर लो। अंकल जी, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, पिंटू भाभी का बुध भारी होने की वजह से मम्मी की कुंडली में जो दोष है ना, उसका निवारण करने वाली है वो। कितनी अच्छी बात है ना? आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं, कहाँ मिलते हैं आजकल? बहुत बढ़िया बात। मतलब आजकल ऐसे लोग बढ़िया बात नहीं है, ये तो बिल्कुल खराब बात है। क्या कहा, बुध भारी है? नहीं 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 नहीं, बुध भारी नहीं है, उसका तो बुध और बृहस्पति सब कमजोर हो रखा है। अरे कैसी ओगड़ जैसी बात कर रहे हो तुम? है? अरे हमने कैलकुलेशन किया, तुम लैपटॉप निकालो, छोड़ो अनार, इधर इधर धरो यहाँ, हमारे पर्सनल लैपटॉप में सब कुछ है। सुबह 4 बजे के हिसाब से अपने पर्सनल लैपटॉप में हमने पूरी कैलकुलेशन करके रखी है। बात कर रहा हम, देख दिखाओ जरा, ये देखिए गुरु जी। जिज्जे का खोल दिया, बंद करो बंद करो, इधर आओ। अरे हमें तो तुम्हारे बस का नहीं, कुछ भी नहीं किया, बंद ना हुआ तुमसे अब तक जे कंट्रोल 5। इधर आइए, ये देखिए, ये जो है सुबह 4 बजे के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की है, इनका बुध जो है मतलब पिंटू का जबरदस्त भारी है। अब अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ रहे हैं कि वो 4 बजे पैदा हुई है? हाँ और क्या, बताया खुद बताया दो बार, 4 बजे ना हुई है वो, 8 बजे पैदा हुई है। ए? 4 का 8 कैसे हो गया भाई? गुरु जी वो क्या हुआ कि जब इसकी डिलीवरी होने वाली थी तब इसको थोड़ी सर्दी हो गई थी, गर्म पानी में थोड़ी थोड़ी ब्रांडी पिला दी। ची ची ची, ब्रांडी? ची ची ची, तो ये टुन हो गई, सो गई। अब नींद के नशे में से पता ही नहीं चला
कि कब बच्चा डिलीवर हुआ, कब पैदा हुआ। खराब ना लगे इसलिए बता दिया था कि 4 बजे तुमको बच्चा हुआ था, क्योंकि उसी वक्त पिलाई थी ना ब्रांडी। 8 बजे सुबह के। हाँ अभी एक मिनट रुके आप। गुरु जी। हाँ देखिए ना क्या निकला। बहू हाँ? गुलाब जामुन जरा गर्म कर लाओ, क्या ठंडा है खाते गले में लग जाता। हाँ। गर्म कर लाओ अभी। जल्दी जा। पूछ रहे थे क्या निकला। हाँ भाई ये जो 4 का 8 बजे इन्हें बजाया है सुबह का, उसके हिसाब से तो जो है पिंटू बिटिया जो है उसका बुध भारी नहीं है, बल्कि बुध शुक्र राहु केतु मंगल सबके सब भारी है। वो तो तुम्हारे जीवन के मुरारी सारे कष्ट एक ही उपाय में साफ, मतलब तुम्हारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब तो ये तय हो गया कि करुणा बहू कहां गई। आ गई। रखो रखो, रखो। मतलब जो है पिंटू भाभी जो है आपकी, उनको भोर बेला सुबह 4 बजे उठ के गंगा जल से करुणा बहू को स्नान कराना ही होगा। तय हो गए, तय हो गए। जाओ गुरुजी जाओ। लाइफ में टंटे खुश रखे यार। अरे यार ये ललित ना वाकई में एक नंबर का ललू निकला। अरे मैंने उससे बोला था कि ना वो टाइम पता करके आना जिस समय बुध बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन उसने क्या किया, मंदिर के बाहर आ रहे भिखारी से पूछ लिया, उसके बाद उसे 500 रुपए भी पकड़ा दिए। हद हो गई यार। इलू मुझे तो समझ ही नहीं लग रहा है पिंटू भाभी की कुंडली क्या गोलमाल कर रही है। अरे सुनीता जी हमारी कुंडली में कोई दिक्कत ना है, सब ठीक है, एकदम टनाटन है। अरे आपने काम ही ऐसे लंगूर को सौंपा जिसमें अकल के नाम पे भूसा भरा है। हमको तो ना अब भैया कोई चांस लग ना रहा बचने का। ओ पिंटू भाभी एक बात खास करके याद रखनी, ये जुस्सा वाला का लालच है ना वो लालच नहीं करना है। ओके पिंटू भाभी। इलू पिंटू भाभी गरीब भले हैं लेकिन लालची नहीं है, क्यों पिंटू भाभी? हाँ बिल्कुल सही कहा सुनीता जी आपने, आप ना हमारे दिल की बात जानते हैं। हम सच बता रहे हैं आपको, जैसे हमारे मन में कभी ये ख्याल तक ना आया 1,25,000 रुपए का। लेकिन पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि ये 1,25,000 रुपए आएंगे हमारी जेब में। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने ना बाहर कपड़े डाले थे तार पे सूखने के लिए, तो हम आते हैं फिर कपड़े उतार के। हैं क्या सुनू? हाँ बड़ी साइड ले रही थी पिंटू की, तो क्यों ना लूं, पिंटू की क्या गलती है? 1,25,000 रुपए के लिए मेरी मम्मी को नहलाने वाला है वो। इलू अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और इतनी बात है तो जीजा जी ने अपना रास क्यों नहीं खोला, वैसे तो बड़े जेंटलमैन बने घूमते हैं। अरे यार यहाँ बहुत इन लोग की नहीं है, मेरी मम्मी की है। मैं सच्ची समझ रहा हूँ आंटी जी की बात है, क्या करें मुझे तो ये समझ नहीं लग रहा है। पर ये अम्मा, अरे मैं मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि गुस्सा थूक दे, पापा तेरी खातिर आए हैं। हम इनको माफ ना ही करेंगे, पूरी दुनिया में अपना मुंह काला कराने के बाद अपनी बीवी के पास पहुंच गए मुंह धुलाने, हम ना ही करेंगे इन्हें माफ। अरे देखिए बहन जी आप दिन ही कितने बचे हैं, नाराजगी पाल लेंगे हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। और क्या चाहिए आपको ये बताइए। मैं क्या कह रही हूँ, जब से मुझे मेरी अम्मा मिली है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। अम्मा तू कब आ गई? अरे अरे हम तोहार को कितनी बार कह चुके हैं कि हम तोहार को ही अम्मा ना ही है। देख छोटे अगर तू हमसे एक बार और चिपका ना तो इस दुनिया से उठाई लेंगे तुमको। अब बहन जी चाय लीजिए ना। अम्मा मैं क्या चाह रही हूँ, दोनों को साथ ले जाके अपनी दुकान दिखा दो, मुझे वो मेरी दुकान को आशीर्वाद मिल जाएगा। उसके बाद अम्मा तू अपने इन हाथों से खाना बना के खिला दे, रसोई में चल के मैं तरस रही हूँ तेरे हाथ की खाना खाने। देख छोटे अभी तक तो हमारी सहानुभूति तो हर साथ थी, लेकिन अब कहा है ना कि हमारा खून जल रहा है, हम कह रहे हैं चुप करके बैठ जाओ।
अरे बेटा छोटे परेशान ना हो ना हो, बहुत लड़ाकी है, तभी तो दुबई भाग गया था मैं। हाँ भाई साहब, दुबई मैं भी भाग गया था, मेरे तो भागे फूट गए। अरे करूँ तो गलत ना समझ, मेरा भैया मतलब ना था, मेरा मतलब है कि दुबई गए बहुत दिन हो गए हैं। आपको कितना समय हो गया? 5 साल। अब मैं कुछ समझाना उकाना भाई साहब, दरअसल ये हमका 4 साल पहले छोड़ के चले गए थे, लेकिन 15 साल से कम ना ही लगे हमें। अरे अरे अम्मा अम्मा रुक जा, अम्मा रुक जा, अरे अम्मा, अरे बस कर। देखिए मन में इतनी कड़वाहट रखने से कुछ फायदा नहीं है, अच्छी बात नहीं है, आप एक काम करिए इन्हें माफ कर दीजिए। माफी देगी मेरी जूती? तमीज में रहे वरना सब मट्टी पलट कर दूंगा, और वही मिट्टी तो हर मुंह में ठूसूंगी। अरे अम्मा सारे कारनामे बता, मुंह मत खुलवा मेरा। हाँ मत खोलना, वरना वो कहा है ना इस घर में सारा रायता फैल जाएगा। लंबे लोग आई? अरे देखो पिंटू के पापा, वो लंबा लंबा का बात मत करो, वो कहा है ना वरना तो हर सारी पोल खोल दूंगी मैं, समझे? हीलो मुझे प्लीज एक बात तो बता दे, तूने संजू को क्यों बुलाया? तुझे पता ना उसका सिर्फ एक ही काम है। और क्या, बस करेगा? इलायची इलायची इलायची, इसके अलावा कुछ ना हो ना उस बालूसाई से। इसके सिवा ना उसका कुछ बस का ही नहीं है। हाँ जिनके बस का था उन्होंने क्या उखाड़ लिया। अब इस खोटे सिक्के को ही चलाना पड़ेगा मुझे। चलाओ चलाओ। वैसे इलायची जी बहुत कम टाइम बचो, मतलब अब तो ना कोई चमत्कार ही बचा सकता है हमको 1.25 लाख मिलने से, और चमत्कार तो आजकल बहुत कम होते। नहीं मतलब अब ऊपर वाला जो करेगा वही होगा, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। खाओ खाओ आप खाओ, लगा लगा की चटनी, हमारा तो व्रत है निर्जला। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अरे भैया इनका रिकॉर्ड बंद करा लो, कसम से सच बता रहे हैं अम्मा, इनके पेट में सूजा घोंप देंगे। संजू तुझे जो मैंने फोन पे समझाया था तू समझ गया ना? देख ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे एकदम स्ट्रॉन्ग कंधों पे। हाँ इलायची जी, हम ये कह रहे हैं कि पक्का मतलब इनके सिवाय और कोई चारा नहीं है। आप चुप रहो यार, संजू सोम मंगल बुध सब तुझे संभालना है, निपटा दियो सब, ठीक है कर लेगा ना? दोबारा ये अंगूठा दिखाया ना तेरे मुंह में अंगूठा घुसेड़ दूंगी तोड़ के। ये लो मुंह में अंगूठा घुसेड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो अभी आखिरी तीर बचा है, ये तीर बस भगवान जी कृपया करके निशाने पे लगा ही देना बस। इलायची संजू, इलायची। बंद हो गया? हाँ। अरे जरा हमका छोड़ दियो। चलिए भाई साहब, आप लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कहा है ना कि हमको बहुत सारे काम करने हैं, तो हम सोच रहे थे कि जाके निपटा लेंगे। हाँ चल बुड्ढे। भाई साहब मैं भी दुबई निकल रहा हूँ, वैसे भी इस लंबी लुगाई के ताने सुन के कौन जिंदगी बिताएगा। अरे तुम लंबा लंबा का बात ना ही करो, सबके सामने तुम्हारी पोल खोल देंगे हम। देख रहे भाई साहब, देख रहे इसके लक्षण, सठिया गई है चुरकुट बुढ़िया। अरे पाप शांत रहो। अम्मा अम्मा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुझे कहीं ना जाने दूंगा, मेरे पास रही बस। अरे तुम दूर हटो, ऐसे नहीं जाने दोगे हमका, हम तुमको बता रहे हैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ के तुम्हारी टांग तोड़ देंगे हम, दूर हटो हमसे। अरे आंटी जी आप ना रुक जाइए, हमारे घर में इतनी बड़ी बोझा होने वाली है, आप उसके बाद चली जाइएगा ओके। हाँ और क्या अम्मा रुक जाओ, अब क्या है ना घर में इतना बड़ा कांड हो गया, तो रुक जाओगी थोड़ा सहारा हो जाएगा, है ना? ये कांड से तुम्हारा मतलब कर्म कांड ही है ना?
कर्मकांड ठीक है गुरुजी। नहीं नहीं बेटी, वो कहे ना कि अब हम रुक के क्या करेंगे, तुम्हारा हस्बैंड आने वाला है, तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, हमको बहुत खुशी हुई जान के। अभी कहा है कि हमें जाना पड़ेगा। चलिए बहन जी, अभी कहा है हम चलते हैं, हमको बहुत सारा काम है। चल बुड्ढे, चल। रुक जाओ जाओ। कौन कहा जा रहा है बिना बताए हमें? ये कौन है भाई? हम पिंटू के दादाजी हैं। ये सारे रिश्तेदार पिंटू के आज आने वाले हैं क्या? दादाजी इलाय। प्रणाम बाबूजी। दादाजी, अरे दादाजी, दादाजी मैं तुम्हारा छोटे आशीर्वाद दूं दादाजी। हमारे पास आ। अरे अम्मा, मैं अपनी अम्मा के पास आना मेरे बच्चे। अरे अम्मा, अम्मा मैं ठीक है, मैं दादा दादा से मिल लिया था। लो लो, दादाजी भी आ गए। दादा दादाजी प्रणाम। अरे तुम वही रुकना, तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई बताने आए हैं हम। कैसा सच? तुम इस खानदान के नहीं हो। ना हमारी पोती हो। तुम्हें मालूम नहीं होगा लेकिन हमें मालूम है, तुम एक मेले में पकोड़े की दुकान में मिले थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये आपकी कुछ ना लगती? बिल्कुल नहीं, इलायची। ये पिंटू के काम मुझे संजू के दादाजी ज्यादा लग रहे हैं। आप मेरी बेटी का नाम क्यों पुकार रहे हैं? मम्मी, वो मैंने सबसे पहले छुए थे ना उनके पैर, तो इसलिए शायद इन्हें मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। बहुत आ रहा है। अरे तो फिर इसकी कुंडली का क्या, जो हमने बनाई थी कैलकुलेट करके? हाँ, अरे पता ही नहीं किस पेड़ का फल है, तो हम इसके खाद पान के बारे में कैसे बता सकता है? इसकी कुंडली बन ही नहीं सकती। इलाई जी ने बताया था घर में पूजा है, मान लो इसके कुंडली में कोई दोष हुआ तो सवा दोष हो जाएगा। मैं तो भागे फूट गए। अम्मा, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी दो मिनट बात सुन ले। मैं ये कह रही हूँ बहन तो रही ना, कम से कम बेटे को तो अपना ले। अरे बाद में कम से कम कोई चिता में आग देने वाला तो चाहिए कि ना चाहिए? मान जा मेरी बात, मान जा। तो रहा था। अरे हम कह रहे हैं ना, हम तुम्हारी अम्मा नहीं है यार, हद कर दिए। अगली बार तुमने हमका छुआ तो यही गाड़ देंगे तुमको, कह रहे। और सच तो ये है कि हम अम्मा बनने लायक ही नहीं, इसलिए तो ये हमको छोड़ के गए थे। ये माँ नहीं है तो बाप बनने लायक भी नहीं है। हाँ? इसकी बचपन से आदत है, एक खुद का इल्जाम दूसरे पे डालता है, नटखट कही के। धन्यवाद बापूजी। अरे फिर मेरी समझ में ये ना आ रहा कि मैं कहां से टपका, मैं किसका हूँ? जिसका भी है हमारा ना ही है। मेरा तो हो नहीं सकता, टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल। गुरुजी अब क्या होगा, मेरी करू की कुंडली में जो दोष है उसका निवारण कैसे होगा? बेटा मुरारी, बात ऐसी है कि ये समोसे जिसने बनाए हैं ना, दिल कर रहा है उसके हाथ चूम ले। हम गुरुजी कौना ने बनाए? बाबू ने बनाए। खुश रहो, खुश रहो, सोला सुखी रहो। बेटा मतलब कि क्या बताए, हमें पता हो तो हम बताए कुछ। गुरुजी कोई और तो तरीका होगा ना, देखिए प्लीज। बेटा बता के फायदा कुछ नहीं है, उपाय तो है। वो क्या है कि कोई ऐसी कन्या जो महाचंद्र नक्षत्र में पैदा हुई हो, उसके जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रहों पर भारी होते हैं,
यदि वो कन्या सुबह 4 बजे उठकर गंगा जल से करुणा बहू को स्नान कराए तो करुणा बहू के जीवन से सारे कलेश मिट जाएंगे। लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर ऐसी कन्या का मिलना असंभव है। इसे क्या हो गया भैया, क्यों नाच रही है? अरे गुरुजी, वो क्या है ना, इन सब बातों से इलायची जी को सदमा लग गया तो सदमे में नाच रही है। अरे क्या कमाल की खुशखबरी है, मिंटू भाभी बधाई हो। इलायची बेटा देख, सब ठीक हो जाएगा, तू बैठ तो, आराम आराम से बैठ। अरे एक मिनट, जो खुशखबरी है वो बताऊंगी ना तो आप सब भी ऐसे ही नाचने लगोगे। मतलब बगल में छोरी, गली में ढिंडोरी। अरे यार, वो जो लाखों में एक लड़की है वो हम सबके बीच में ही है। है?